कल से हमारे यहाँ पर मीडिया में एक न्यूज़ बहुत जोर शोर से चल रही है कि जो वो पांच एक्टिविस्ट को पकड़ा है, एक्टिविस्ट हैं या क्रिमिनल्स हैं ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी आज हमारे मीडिया में आज भी चल रही है। हालांकि कल उनको अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था। इनमें पांचों में से मैं आज सिर्फ गौतम नवलखा की बात करने वाला हूं, जिसे सारे का सारा मीडिया एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कह के उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हमारे मन में एक छवि उभरती है ऐसे लोगों की कि जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और उनको ये बड़ा चिंता होती है कि कहीं लोगों के अधिकारों का हनन ना हो जाए। बिल्कुल ठीक भी है, ऐसा होना भी चाहिए, हर अच्छे व्यक्ति को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होना चाहिए। लेकिन इस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की एक खासियत है, एक तो इन्होंने जब याकूब मेमन को फांसी दी गई थी उस समय उसका कड़ा विरोध किया था, और उसके बारे में इन्होंने कुछ कारण भी बताए थे क्यों विरोध करते हैं। पहले जरा आप उनको सुन लीजिए, क्या है वो कारण। I think there are a number of reasons why a lot of us opposed death penalty for Yakub Menon. Quite apart from the fact that we are in principle opposed to death penalty to anyone, I will come to the reasons for that later. In the case of Yakub Menon, there were many other reasons also apart from the principal position of opposition to death penalty, which I think influenced our position. And this had to do with, nobody denies that March 1993 Bombay blast, serial blasts, were a dastardly crime. Nobody denies that it was a dastardly crime. But what is undeniably true, and which is denied by most of the right-wing liberal so-called free media, which is corporate media, and the opinion makers, we conveniently forgot, was the link between Babri Masjid demolition and the anti-Muslim carnages of 92-93, in which more than 900 people were killed, women were raped, killed, children were butchered. So, I mean, the link between the two, which was also highlighted by Sri Krishna Commission. In fact, it also went into details of how the Menon family had directly suffered during the 92-93, and revenge, therefore, not just amongst the family members of Menon, but even others were present. This was a fertile ground which could have, which was used by Daud Ibrahim, Tiger Menon and others. तो गौतम नवलखा के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था इसलिए उसका रिवेंज लेना था, उसका बदला लेना था, इसलिए वो वाले बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इस जस्टिफिकेशन में इनका ये कहना है कि जो बाबरी ढांचा गिरा था उससे याकूब मेमन और इसके परिवार में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, या मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और उसका बदला लेने के लिए, उसका रिवेंज लेने के लिए इन्होंने वो वाले ब्लास्ट किए थे जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। ये दूसरा एक और बात बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, वो है 2002 के दंगों की, कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे। अब अगर आपको थोड़ा सा घटनाक्रम याद हो कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा में एक ट्रेन पहुंची थी, साबरमती एक्सप्रेस, और उसका S6 नाम का जो कोच था उसको काट के उसके अंदर केरोसिन ऑयल डाल के, पेट्रोल डाल के 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। सारे के सारे हिंदू थे जो कार सेवा करके अयोध्या से आए थे, जिसमें लगभग 40 महिलाएं और बच्चे थे जिनको मुसलमानों की एक पूरी भीड़ ने मिलकर जिंदा जला दिया था। उसके बाद वहां पर दंगे हुए थे। अब दोनों की तुलना करके देखते हैं, एक तरफ एक ढांचा गिरता है और उसके विरोध में बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, दूसरी ओर है कि 59 लोगों को जिंदा जलाया जाता है, उसके बाद दंगे भड़कते हैं। अब इन दोनों को तुलना करना चाहिए या नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों की दोनों ट्रेजिडीज थी और दोनों में ही हमें थोड़ा सा एक बैलेंस्ड व्यू लेने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे ये जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इनका स्टैंड गोधरा के बारे में क्या है, ज़रा उसको देखिए। स्क्रोल नाम की एक मैगजीन है, उसमें इनका एक इंटरव्यू छपा था। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पूछ रहा है कि गोधरा में जो दंगे भड़के थे उसके लिए जो ट्रेन जलाई गई थी उसको दोषी ठहराया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का क्या आंसर है वो सुनिए जरा। जस्टिफिकेशन इज शेमफुल एंड रिप्रेहेंसिबल, यू कैनॉट जस्टिफाई अ मैसेकर ऑन एनी काउंट बाय साइटिंग एनी आर्ग्यूमेंट। जस्टिफिकेशन इज शेमफुल एंड रिप्रेहेंसिबल,
शेमफुल कि हमें शर्म आनी चाहिए हम किसी भी तरह के नरसंहार को जस्टिफाई करते हैं तो. लेकिन ये वही वाला एक्टिविस्ट है जो याकूब मेमन द्वारा किए गए बॉम्ब ब्लास्ट को जस्टिफाई कर रहा है कि बाबरी ढांचा गिरा था इसलिए उसने ये काम किया था तो हमें उसके प्रति सिंपथी होनी चाहिए. इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए जाते हैं. इनफैक्ट जब वो गोधरा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भी मीडिया में ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए गए थे. मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन था जिसने ऐसा पोर्ट्रे किया था कि वो जो कार सेवक थे उनकी गलतियां थी इसलिए उनको मारा गया. ऐसा भी कहा गया कि उन्होंने किसी महिला को छेड़ दिया था, मुस्लिम महिला थी वहां स्टेशन पर, इसलिए दंगा भड़का था. अब एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो ट्रेन पहुंची थी साबरमती एक्सप्रेस, उसका पहुंचने का समय रात को 2 और 3 के बीच था. प्री प्लान्ड अटैक था ये. लगभग 2000 लोग वहां पर भीड़ बना के अपने साथ वेपन्स लेके इस ट्रेन को घेर रहे थे. ये ट्रेन लेट हुई 4 घंटे, तो तब तक दिन निकल चुका था, सुबह हुई थी, लगभग 7:30 बजे पहुंची थी वहां पर ट्रेन. इसलिए एक ही डिब्बा काट कर उस पर यह अटैक किया गया. ऐसा माना जाता है कि अगर ट्रेन रात को पहुंची होती तो बहुत ज्यादा लोगों की वहां पर हत्या होनी थी. और इस नरसंहार में जिन लोगों को सजाएं मिली हैं उनमें बहुत सारे तो कांग्रेस पार्टी के ही वर्कर हैं, जो बल्कि 2 दिन पहले ही जिनको सजा मिली है वो दोनों ही कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, ये है उनके नाम. लेकिन ये अकेला दोगलापन नहीं है गौतम नवलखा का, इससे थोड़ी सी गहराई में चलते हैं. मेरा एक वीडियो आस्तीन के साथ जिसमें मैंने हर्ष मंदिर के बारे में बताया है, उसमें आप देखेंगे कि ये हर्ष मंदिर जाता था गुलाम नबी फाई की मीटिंग्स में, जो ISI का एजेंट होता था और जिसका एजेंडा था अमेरिकन पॉलिसी को चेंज कराना कि वो पाकिस्तान का स्टैंड ले वाला स्टैंड ले ताकि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग किया जा सके. वो जो मीटिंग्स होती थी उसमें मैंने एक लिस्ट दी है जो जो वहाँ पर जाते थे हमारे देश के ये एमिनेंट लोग, उनमें से गौतम नवलखा भी एक होता था. और जाहिर सी बात है कि ये भी उसी विचारधारा का, उसी आइडियोलॉजी का आदमी है. उसके बाद इसने एक और स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें इसने कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई थी. इसका कहना क्या है, वो एक आउटलुक नाम की मैगजीन में लेख छपा था, मैं वो बताता हूँ आपको. स्पीकिंग इन द सेशन व्हेन पीसफुल प्रोटेस्ट फेल्स व्हाट नेक्स्ट, गौतम नवलखा, एडिटोरियल कंसल्टेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, रिपोर्टेडली वॉर्न्ड दैट इफ द एस्पिरेशंस ऑफ कश्मीरीज कंटिन्यू टू बी इग्नोर्ड द आर्म स्ट्रगल कुड स्टार्ट अगेन. तो ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एक तरह से धमकी दे रहा है कि अगर वहां कश्मीरियों को इग्नोर किया गया तो वहां पर आर्म स्ट्रगल, वहां पर हथियारों के साथ जंग हो सकती है, वहां पर रेवोल्यूशन हो सकती है. अगर ये स्टेट के खिलाफ जाना नहीं है, ये देश के खिलाफ जाना नहीं है, देशद्रोह नहीं है, तो ये और क्या है.